ये दोनों फेसलिफ्ट है और काम बिल्कुल अल्टीमेट लेवल का। मैं ग्रेटर नोएडा वैसे आया हूँ, मैंने भी फेसलिफ्ट ही ली है अभी अभी दो दिन पहले, और मैं तुरंत ही यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने इनका काम देखा राकेश भैया का, बहुत ही अच्छा काम किया है। और मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि कोई भी जिसको भी कस्टमाइज करनी हो गाड़ी, निसान की या कोई भी गाड़ी हो, राकेश भैया के पास आइए। तीनों व्हाइट का सेटअप आता है तो हमारा टोटली तीनों व्हाइट का सेटअप हो गया फ्रंट से, क्योंकि डोर पैनल आप लोग को टॉप मॉडल में 10 कलर का ही देखने को मिल जाता है, तो ये पूरा 10 कलर कर देगा भाई, ये देखो। साथ साथ हमारा एम एल लाइट K3 का पूरा सेटअप इसमें लगाया गया भाई, ये देखो भाई पूरा 10 कलर एग्जैक्ट जो टॉप मॉडल में आता वही किया गया, और इंटीरियर भी उसे इंस्पायर्ड है। देखो थ्रेडिंग अब आप लोग को टॉप मॉडल में ऐसे कुछ देखने को मिल जाती है, तो ऐसे थ्रेडिंग कर दी गई है। मैग्नेट किंग है, पूरा ध्यान रखते हैं बेस से टॉप में, तो भाई टोटली टॉप मॉडल में ही कन्वर्ट करते हैं। आप लोगों को देखने को मिल जाएगा भाई ये पूरा, ये देखो चार्जिंग स्टार्ट हो चुका है इसमें, देखो भाई वंस अगेन हम लोग आए मैग्नाइट किंग के पास, जहां लगता है भाई अब मैग्नाइट नहीं मैग्नाइट फेसलिफ्ट का काफिला। ये हमारे सामने मैग्नाइट फेसलिफ्ट, ये फेसलिफ्ट, वहां खड़ी है भाई फेसलिफ्ट, भाई वो देखो एक ब्लैक कलर हमारा फेसलिफ्ट। राकेश जी फेसलिफ्ट का काफिला हुई मंडे वाले दिन, बिल्कुल ये फेसलिफ्ट है भैया, सामने देख सकते हैं, ठीक है भाई। वो भी ब्लैक का, ये भी और एक ये भाई हमारे कमेंट कर रहे थे भाई ब्लैक कलर भी आता है फेसलिफ्ट में, तो भाई ये देख लो ये पूरा ब्लैक कलर है हमारा, ठीक है भैया। और एक बात बता दूं आपको, ठीक है, जो टॉप मॉडल में 10 कलर आता है ना इंटीरियर होके, तो ब्लैक में टॉप मॉडल का इंटीरियर हो रहा है, अच्छा, साथ में ये देखेंगे व्हाइट और ये देखेंगे व्हाइट, ठीक है, ये दोनों फेसलिफ्ट है और काम बिल्कुल अल्टीमेट लेवल का। अरे वाह, धमाके, अल्टीमेट लेवल का, ठीक है, और बिल्कुल परफेक्ट। आज दिवाली ऑफर भी खोल देंगे, बिल्कुल हर एक चीज खोल दिया जाएगा। और तो गाड़ी का मॉडिफाई हो रहा है काफी, यहाँ पे देख सकते हैं हो रहा है, वो आरवीएम से लेकर के बेस मॉडल है, RVM से लेकर के LSF DRL वगैरह लगने वाला है, हॉर्न लगा है भैया, ठीक है, तो मतलब काफी चीज इसके अंदर हम लगा रहे हैं। ये बेसिक में जा रही है हमारी, मीडियम में जा रही है गाड़ी, ये मीडियम में है सर, ठीक है, ये मीडियम में है, ठीक है, वो टॉप में, अच्छा वो टोटली टॉप में हमारे, वो टॉप में देखो भाई बेस मॉडल आई थी, अब आप लोग एंड में वीडियो के एंड में नहीं पहचान पाओगे कि भाई ये बेस मॉडल ही थी क्या। एक बार पास में चल के उसको भी ब्लैक वाले को दिखा देते हैं साथ के साथ, तो वहाँ पे मैं आप लोगों को बिल्कुल भाई लाइव लेके चलता हूँ, वीडियो में कट नहीं करेंगे। देखो ये हमारी भाई टॉप मॉडल बनने वाली है, पूरी बेस मॉडल आई थी, बिल्कुल ये देख सकते हैं, ठीक है, फेसलिफ्ट है ना, इसमें भी फोग लाइट लेकर के, ठीक है, ये छोटा वाला हॉर्न देख रहे हैं बाइक वाला हॉर्न है, इसको हटा दिया जाएगा, ठीक है, और इसके जगह हॉर्न लगने वाला है, प्लस सेंटर लोक, सेंटर लोक अभी इसमें बाहर से अभी नहीं आया, ठीक है, तो सेंटर लोक हमारे पास ही आएगा, ठीक है, तो सेंटर लोक हम लगा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। साइड का यहाँ पे देखेंगे RVM खुला हुआ है, अच्छा ऑटो फोल्डिंग का भी सेटअप हो रहा है, टॉप RVM DRL भी लगाया जाएगा, DRL का भी सेटअप, मतलब टॉप हमने कह दिया तो पूरा टॉप ही बना के टॉप टॉप यहाँ पे देखेंगे तो अदर स्टीयरिंग कवर देखेंगे, भाई लगे पड़े भाई काम करने में, देखो भाई, ठीक है। सेट का बात करें तो ओंक्यो मेड इन जापान, ठीक है भैया, स्टूडियो, ठीक है, स्पीकर JBL मेड इन USA, एम्बियंस लाइट मेड इन जर्मन, ठीक है, एम्बियंस लाइट मेड इन जर्मन लगा रहे हैं, ठीक है, तो टोटली मॉडिफाइड सब बेस्ट क्वालिटी का हो रहा है, ठीक है भाई, ये देखो पूरी गाड़ी खुली पड़ी है, तो राकेश जी अगर रेडी हो जाए तो डिटेल में दिखा, बिल्कुल, और बोलेंगे एम्बियंस लाइट मेड इन जर्मन कैसे, तो बोलो पंखा लगा बोलो पंखा जो लग रहा है, बोलो पंखा लगा, चलो भाई बढ़िया चीज है। तो कार कस्टम अल्टीमेट हो भाई, सारा धमाका हो रहा है मैग्नाइट किंग के पास, तो एक बार हमारी रेडी हो जाए तो आपको डिटेल में दिखाता हूं। तो गाइस हमारे काफिले में से ये वाली मैग्नाइट टोटली मॉडिफाइड हो चुकी है, हेडलाइट में एलईडी का अपग्रेड किया गया, नीचे फॉग लाइट का अपग्रेड किया गया, ये हमारी फेसलिफ्ट वर्जन था, एक नई फेसलिफ्ट वहाँ पे ग्रे वाली जुड़ी है जिसमें इंटीरियर मॉडिफिकेशन हुआ है, वही मैं आप लोग को दिखा दूंगा, बाकी ब्लैक वाली में अभी काम चल रहा है, एक हमारी ओल्ड वाली आई थी इसकी मॉडिफिकेशन ने वो मैं आप लोग को दिखा दूंगा। तो इसमें क्या क्या अपग्रेड किया वो मैं आप लोग को बता दूं, पहले तो यहाँ पे डोर वाइजर का अपग्रेड किया गया जो कि आप लोग देख पाओगे क्रोम लाइनिंग में, ऑप्शन आप लोग के पास नॉर्मल रहता है, आप लोग भाई फुल ब्लैक में ले सकते हो या फिर भाई आप लोग गैलियो का भी पूरा लगा सकते हो, बाकी हैंडल क्रोम कंपनी से आप लोग को मिल जाता है, एक ही हमारा आईपॉप का डोर गार्ड अभी लगा है भाई, ये देख लो। बाकी रियर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे शार्क फिन एंटीना लगा है बिग वाला, ये देखो इसका लुक ही बड़ा अच्छा लगता है भाई गाड़ी के अंदर, यहाँ आप देख पाओगे एक पार्सल ट्रे लगा है हमारा इसके अंदर। बाकी इसमें इंटीरियर में क्या क्या मॉडिफिकेशन है वो मैं आप लोग को दिखाता हूँ साथ के साथ। यहाँ पे आप लोग आओगे तो भाई यहाँ पे इंटर मॉडिफिकेशन देखो भाई, एमएन लाइट का पूरा अपडेट किया गया, ये इसके कुछ मोड्स रहने वाले हैं, फेसलिफ्ट का पूरा हमारा मैग्नाइट, यहाँ पे एक वेलकम लाइट का अपग्रेड किया गया भाई, ब्लैक और सिल्वर स्टिचिंग के साथ हमारा सीट कवर लगाया भाई, ये देखो पूरा हमारा ब्लैक और सिल्वर स्टिचिंग के साथ फिटिंग प्रॉपर है, आप लोग चेकआउट कर पाओगे इस चीज़ को। बाकी ऑल ब्लैक स्टेयरिंग कवर लगाया गया, क्योंकि ब्लैक और सिल्वर का कॉम्बो, तो ब्लैक और सिल्वर का स्टेयरिंग कवर भी लगाया गया। यहाँ पे हमारा स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल दोनों तरफ का भाई, ये क्रूज वाला, ये भाई हमारा लेफ्ट साइड का वर्किंग आप लोग को लेफ्ट का रहेगा, क्रूज का भाई अभी एक्टिवेट मैग्नाइट में नहीं हुआ है, एक्टिवेट हो जाएगा तो आपका इस साइड का भी वर्किंग हो जाएगा, तो इसलिए हम दोनों साइड का लगा के देते हैं।
एक हमारा भाई डायमंड 2K लगा भाई, ये देखो पूरा हमारा डायमंड 2K एमएस लाइट हमारा पूरा। तो यही एक ओवरऑल मॉडिफिकेशन की गई इस एक मैग्नाइट में। अब भैया का रिव्यू लेते हैं उन्हें मॉडिफिकेशन कैसी लगी, और वीडियो बिल्कुल एंड तक बने रहना, एंड में दिखाएंगे भाई बाकी कार की मॉडिफिकेशन जो हमारी वो बेस्ट टू टॉप हो रही है उसकी मॉडिफिकेशन आप लोग को। ये थे हमारे मैग्नाइट के ऑनर भैया से जानते हैं उन्हें मॉडिफिकेशन कैसी लगी। भैया आपका नाम कहाँ से आया था और कैसी लगी मॉडिफिकेशन? भैया मैंने भी YouTube से ही देखा था, ठीक है, राकेश भैया के बारे में, ठीक है, और वहां से मैंने रिव्यू लिया और देखा, ठीक है, मॉडिफिकेशन कैसे क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट से आया हूँ, मैंने भी फेसलिफ्ट ही ली है अभी अभी 2 दिन पहले, और मैं तुरंत ही यहाँ पे आया और यहाँ पे मैंने इनका काम देखा राकेश भैया का, बहुत ही अच्छा काम किया है। और मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि कोई भी जिसको भी कस्टमाइज करनी हो गाड़ी निसान की या कोई भी गाड़ी हो, राकेश भैया के पास आइए, कार कस्टम अल्टीमेट के पास आइए और राकेश भैया से काम करवाइए बढ़िया डिस्काउंट के साथ। अच्छा डिस्काउंट भी देते हैं और कोई आपको निराशा नहीं होगी, ये मैं गारंटी आपको। चलो भाई बड़ी अच्छी जगह है। तो अब ब्लैक वाली हमारी बेस्ट टू टॉप रेडी हो जाए तो आपको हमारी लास्ट मैग्नेट ब्लैक वाली जिसको आप हम लोगों ने स्टार्टिंग में आप लोगों को दिखाया था कि टोटली हम इसको टॉप कर रहे हैं, ये हमारी वीजा वेरिएंट रहने वाली जिसको हम लोगों ने टोटली टॉप मॉडल बना दिया है। क्या क्या मॉडिफिकेशन है उसके बारे में अब आप लोग को मैं डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग देख पाओगे तो भाई आप लोग होता है बेस मॉडल हमारा पूरा खाली गाड़ी आता है, कुछ भी नहीं इसमें लग के आता, इवन यहाँ पे पूरा हेलोजन का सेटअप होता है। हम लोगों ने इसमें एलईडी का सेटअप कर दिया, 220 वाट का हमारा एलईडी रहने वाला जो कि ब्राइटनेस और फोकस आप लोग देख पाओगे। साथ के साथ बात करो तो ग्रिल में पूरा अपग्रेड है, जो फेसलिफ्ट वाले हमारे नए भाई जो जुड़े हैं, वैसे तो मैं 5-6 वीडियो डाल चुका हूँ फेसलिफ्ट की, बट जो नए भाई जुड़े भाई वो देख लो फेसलिफ्ट में ये कुछ डिफरेंस रहने वाला है। ग्रिल का अपडेट है, आप लोग को नीचे की बंपर का अपग्रेड मिलने वाला है। पहले आप लोग का फोगलेम यहाँ पे आता था, अब आप लोग का फोगलेम की प्लेसिंग यहाँ कर दी गई है। उसके बाद मॉडिफिकेशन की बात करें तो हमारा ऑल ओरिजिनल एलशेप डीआरएल भाई ये देखो हमारा ऑल ओरिजिनल रहने वाला है। डुप्लीकेट में क्या होता है थोड़ा सा मोटा सा होता है, प्लास्टिक का होता है, ये पूरा आपको ग्लास में मिलेगा भाई। देखो ये पूरा आप लोगों को ग्लास मटेरियल रहने वाला है, ये ओरिजिनल होता है। पीछे निशान का आपको लोगो मिल जाएगा, रेनो का लोगो देखने को मिल जाएगा। उसका यहाँ फॉगलाइट की प्लेसिंग कर दी गई है। हमारा तीनों व्हाइट का सेटअप हो गया, अगर हम टोटली टॉप करें तो टोटली टॉप में भाई तीनों व्हाइट का सेटअप आता है, तो हमारा टोटली तीनों व्हाइट का सेटअप हो गया फ्रंट से। तो फ्रंट से कुछ यही कुछ मॉडिफिकेशन की गई है। अब हम लोग आते हैं साइड प्रोफाइल की तरफ, तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे भाई पूरा एलॉयज वाले व्हील कवर जो कि आप लोग चेकआउट कर पाओगे जब गाड़ी चलेगी, तो हमारे एलॉय वाले पूरे व्हील कवर का लुक आएगा। सो भाई साथ साथ इसमें ट्रम्पेट हॉर्न का भी अपडेट किया गया, यानी कि क्रेटा टाइप हॉर्न का, वो मैं आप लोग को साथ के साथ दिखा देता हूँ। ये देखो तो ये हमारा भाई क्रेटा टाइप का पूरा हॉर्न ट्रम्पेट वाला जो कि इसमें टोटली इंस्टॉल कर दिया गया है। उसके बाद बात करें तो भाई हमारा ऑटो फोल्ड मिरर यहाँ पे देखो, ये पूरा हमारा ऑटो फोल्ड मिरर का सेटअप है। बेस मॉडल थी, यहाँ से आप लोग समझ जाओगे कि बेस मॉडल थी, तो ऑटो फोल्ड मिरर का पूरा सेटअप कर दिया गया। उसकी भी मैं फंक्शनिंग आप लोग को दिखा देता हूँ, इंटीरियर से भी है और यहाँ से भी है, की से भी है गाइस। तो मैं जैसे ही लॉक करूँगा आप लोग को देखने को मिल जाएगा कि भाई हमारा पूरा टोटली ये टोटली हमारा फोल्ड हो रहा है। जैसे मैंने लॉक करा भाई देखो पूरा फोल्ड। भैया कोई भी आवाज़ नहीं चाहते थे कि भाई हमें सेंटर लॉक पे या किसी चीज़ पे कोई आवाज़ हो, तो गाड़ी में कोई भी आवाज़ नहीं रखा गया, आप लोग भाई साइलेंट करवा सकते हो। यहाँ से मैं गाइस आप लोग के सामने अनलॉक करूँगा, भाई देखो ये हमारा अनलॉक का बटन, ये मैंने अनलॉक करा तो हमारा अनफोल्ड हो गया। क्रोम हैंडल आप लोग को बेस मॉडल से ही देखने को मिल जाता, तो इसमें कोई अपग्रेड नहीं किया गया है। एक डोर वाइजर का हमारा अपग्रेड हुआ है जो कि भाई टोटली न्यू वाले मैग्नाइट के लिए, देखो भाई पूरा हमारा फेसलिफ्ट वर्जन के लिए। रियर प्रोफाइल की तरफ अगर हम लोग आते तो यहाँ पर शार्क फिन एंटीना का अपग्रेड किया गया जो कि ग्लॉस ब्लैक है, तो गाड़ी हमारी तो ग्लॉस ब्लैक में रहने वाला। रियर का स्किड प्लेट फ्रंट का भी अवेलेबल नहीं हुआ है, जैसे अवेलेबल होगा सबसे पहले आपको यूट्यूब पर अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो एक हम लोग का रियर का स्किड प्लेट का अपग्रेड किया गया जो कि आप लोग ये चीज़ चेकआउट कर पाओगे। इजेड शिफ्ट मॉडल था भाई देखो, फेस लिफ्ट का हमारा इजेड शिफ्ट मॉडल था ये। तो यही कुछ एक्सटीरियर से मॉडिफिकेशन की गई है। अब मैं आप लोग एक बार इंटीरियर लेकर चलता हूँ कि इंटीरियर में क्या क्या इसमें धमाका किया गया। और भाई सबसे ज़रूरी चीज़ है इसका इंटीरियर, क्योंकि इंटीरियर टोटली टॉप मॉडल से इंस्पायर्ड है और पूरा टॉप मॉडल की तरह इंटीरियर का मॉडिफाइड किया है पूरा हमारा 10। तो गाइस ये हमारी मैग्नाइट का कुछ इंटीरियर रहने वाला है। फेसलिफ्ट में आप लोग को ये वाला सेटअप देखने को मिल जाता है, यहाँ आप लोग को मैग्नाइट की बैजिंग देखने को मिल जाती है। ऑटो फोल्ड मिरर का पूरा स्विच का सेटअप कर देगा, यहाँ से सिंगल क्लिक करोगे क्योंकि भाई यहाँ पे मैनुअल आता था, तो वहाँ पे हम लोग ट्विटर की प्लेसिंग कर देते हैं स्टार्टिंग से, ओल्ड से लेकर न्यू में आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ताकि ये स्पेस पूरा कवर हो जाए और यहाँ पे पूरा ट्विटर की प्लेसिंग हो जाए। अब मैं आप लोग एक बार ऑटो फोल्डिंग का सेटअप दिखाता हूँ, सिंगल क्लिक भाई देखो हमारा फोल्ड, और साथ के साथ आप लोग के सामने सिंगल क्लिक पर पूरा हमारा अनफोल्ड भाई ये देखो। साथ साथ एडजस्टिंग में आप लोग को दिखा दूँ, हमारे राइट पे है, इसको आप लोग बीच में रख सकते हो, लेफ्ट पे कर सकते हो, राइट पे कर सकते हो। एडजस्टिंग में आप लोग को पूरा देखने को मिल जाएगा, देखो ये देखो भाई पूरा का पूरा एडजस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगा चारों तरफ से हमारा। बाकी डोर पैनल आप लोग को टॉप मॉडल में 10 कलर का ही देखने को मिल जाता है, तो ये पूरा 10 कलर कर देगा भाई ये देखो।
साथ साथ हमारा एमएल लाइट K3 का पूरा सेटअप इसमें लगाया गया भाई। ये देखो भाई पूरा 10 कलर एग्जैक्ट जो टॉप मॉडल में आता वही किया गया और इंटीरियर भी उसे इंस्पायर्ड है। देखो थ्रेडिंग अब आप लोग को टॉप मॉडल में ऐसे कुछ देखने को मिल जाती है, तो ऐसे थ्रेडिंग कर दी गई है। मैग्नेट किंग है, पूरा ध्यान रखते हैं बेस से टॉप में, तो भाई टोटली टॉप मॉडल में ही कन्वर्ट करते हैं। इतनी प्यारी गाड़ी रेडी हुई है भाई, ये देखो यार। लेदराइट की बात करें तो भाई सबसे बेस्ट लेदर, हमारा इंपोर्टेड लेदर रहने वाला है हमारा, और भाई अलग ही लेवल का लुक है इसका। सीट कवर भी देखो भाई पूरा इंस्पायर्ड है। ये देखो सीट कवर भैया की पसंद थी 10 और ब्लैक में लगवाना, तो इस कलर का पूरा इस डिज़ाइन का लगा है हमारा BMW वाला पूरा आर्मरेस्ट का सेटअप। और मैं इंटीरियर में बैठ के आपको डिटेल में दिखा दूंगा इंटीरियर में क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई है। तो यहाँ से आप लोग देख पाओगे भाई डैशबोर्ड हमारा, तो डैशबोर्ड भाई यहाँ से देखो ये आप लोग को टॉप मॉडल में देखने को मिल जाता है हमारा, तो सेम वही वाला सेटअप यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। देखो पूरा का पूरा टॉप मॉडल का इंस्पायर, ये देखो भाई टॉप मॉडल का पूरा 10 कलर टॉप मॉडल में। अब आप लोग को ये वाली थ्रेडिंग यहाँ देखने को नहीं मिलती जो हमारे ओल्ड मैग्नाइट में था, तो यहाँ पे थ्रेडिंग भी हटा दी गई है। और ओंक्यो का हमारा भाई एंड्रॉयड का पूरा सेटअप लगा, एक बार मैं आपको रिवर्स गियर भी दिखा देता हूँ। यहाँ से मैं जैसे रिवर्स करूँगा भाई ये देखो हमारा पूरा का पूरा कैमरा ऑन हो जाएगा। देखो ये हमारा कैमरा ऑन भाई पूरा हमारा HD वाला रहने वाला है, और यहाँ पे आप लोग देख पाओगे भाई कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। नाइट विजन काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है HD कैमरा का। यही एक मॉडिफिकेशन की गई है, 70 मैट का अपडेट किया गया। सबसे ज़रूरी चीज़ वायरलेस चार्जर, भाई वायरलेस चार्जर भी दिखा देता हूँ जब टॉप करें तो, और हमारा जेन्युइन निशान का देखो पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं वायरलेस चार्जर आप लोग को दिखा देता हूँ, मैं जैसे ही यहाँ पे अपना फ़ोन रखूँगा देखो आप लोग को देखने को मिल जाएगा भाई ये पूरा। ये देखो चार्जिंग स्टार्ट हो चुका है इसमें, देखो भाई ये हमारी वैगनार भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं अगेन आप लोग को चेकआउट करा दूँ, और कलर चेंज होता है मैं फ़ोन हटा दूँगा तो भाई इसका देखना कलर चेंज हो जाएगा, रेड हो गया। अब दोबारा फ़ोन रखूँगा तो भाई ब्लू हो जाएगा भाई। ये देखो ये मैंने ये रखा, ये ब्लू हो गया, चार्जिंग स्टार्ट हमारा। तो भाई बेहतरीन चीज़ है, जेन्युइन पार्ट हमेशा जेन्युइन ही होता है। तो गाइज यही एक ओवरऑल मॉडिफिकेशन की गई है इससे मैग्नाइट में, आप लोगों को कैसी लगी? और भी बहुत सारी मैग्नाइट की मॉडिफिकेशन मेरे चैनल पे आती रहेगी, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो। यही था इस एक वीडियो में, अगर होप आप लोग को अच्छी लगी हो तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।